अच्छा तो कैसे हैं आप? आशा है कि सारे नल्ले बेरोजगार और छपरी लौंडे आ ही गए होंगे। अच्छा तो शुरू करते हैं धोबी पचाड़। हाँ सही सुना, आज हम जम के सफाई करने वाले हैं, इतनी कि मैल तो मैल खाल उतर जाए। ये भगवान क्या जुलुम है। खैर इतना ब्रूटल नहीं जाएंगे, ऐसे हल्का हल्का पानी मारेंगे। ऐसा की चुपड़ा मूड खराब कर दिया, ऐसा लग रहा है कि किसी को 30-40 बाइकर की गोली खिला के हाथों में कचड़े की बाल्टी थमा दी है और यहाँ बंद कर दिया है। मतलब पहनचो क्या तहस नहस मचाई है। इससे ज्यादा साफ तो मेरी चड्डी रहती है जिसे मैं पूरी सर्दियाँ नहीं धोता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वॉश बेसिन देखो, इसको कमोड समझ के ही लगता इसमें ही हक दिया है। जिसने भी ये उधम मचाई है ना, वो पक्का कोई इंजीनियर रहा होगा जो 25 लाख के कॉलेज में पढ़ के 25,000 की नौकरी नहीं पा पा रहा है। जा पूछ क्या। और इतना डिप्रेस्ड हो रखा है कि टोटी टट्टी और टट्टो के बीच का फर्क ही भूल गया। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। सोचो जब इसकी शादी होगी ना, तो ये हनीमून भी पब्लिक के वॉश टॉयलेट में मनाएगा। वो भी 5 की जगह पूरे 15 रुपए दे के। कोई सेंस है इस बात की? ओह फक, ये क्या है भाई, क्या है? मतलब कमोड का सेंटर छोड़ के पूरी दीवारों पे हक दिया है। ये देखो क्या है यार भाई, लैटिन पे ही मुंह बना दिया है इसने। ये साबित कर दिया है कि हगने के लिए गांडी एक रास्ता नहीं है, इंसान मुंह से भी हक सकता है। ये क्या बात करता है यार। खैर ये इंसान नहीं, ये इंसेन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ये सही है यार, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है तो टट्टी पे उसका मुंह बना दो। अगर कोई उधार वापस नहीं कर रहा है तो टट्टी पे उसका मुंह बना दो। अगर कोई गांड से हग रहा है तो टट्टी पे ही उसका मुंह बना दो। खैर गाइस, टट्टी तो चमका दी है, तू भी मुंह से हगता है क्या? क्यों बे,